नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट एआरओ एपी वाजपेयी ने सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को आज नोटिस जारी किया। बता दें, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के 24 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक पोस्टर और होल्डिंग को हटाया जाना था, लेकिन बेस अस्पताल परिसर के अंदर सरकारी योजना की होल्डिंग लगे हुए थी, जिसे हटाया नहीं गया था। और इस पर आज हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट एआरओ एपी वाजपेयी ने बेस अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी एसओपी है, उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है, उसे हटाया जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है, उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, इसमें हमारा जो आदर्श आचार संहिता प्रभारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं और वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नगर निगम की और अन्य जो विभागीय टीमें हैं, उनके माध्यम से 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो एसओपी के तहत निर्धारित जो उसमें मानक हैं, उसके अनुरूप जो भी प्रचार सामग्री है उसको हटाएगी। फिलहाल खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.